देखिए वर्क एनर्जी एंड थर्ड दैट इज पावर तीन टर्म के बीच में हम डिस्कस करेंगे तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वर्क एनर्जी और पावर क्या होता है एक ये एक तरीके से चैप्टर है दैट इज इन फिजिक्स क्लियर है ओके नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इट सेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वेन एप क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ये कह रहा मान लो कोई भी एक बॉक्स है ठीक है ये कोई भी बॉक्स है ये अपनी इस पॉइंट पर पड़ा है इस पॉइंट पर यहाँ पर है इसको अगर रामू धक्का दे रामू धक्का दे एप क्वांटिटी का फोर्स लगाए फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बल एप क्वांटिटी का फोर्स बल लगाए तो ये अपनी पोजिशन चेंज करके अपनी स्थिति चेंज करके ये बॉक्स अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए कुछ डी डिस्टेंस कवर अप कर ले तो हम कहेंगे देट इज़ वर्क डन ठीक है तो वर्क डन होता है देट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर किसी एंगल की बात होगी किसी एंगल पर फोर्स लगता है तो एफ डी थीटा ठीक है ये चीजें निकल के आती है ओके अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वर्क की दैट दैट इज़ इज़ जूल जूल एसआई यूनिट क्या होगी that is और अगर CGS सिस्टम की बात करता हूं दैट इज होती है अर्ग क्या होती है अर्ग और वन जूल टू टेन टू दी पावर सेवन अर्ग क्लियर है यहां तक क्लियर है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके वर्क का एक चीज तो क्लियर है नाउ कम टू टर्म दैट इज एनर्जी एनर्जी कहता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की क्षमता आपकी कैपेसिटी या किसी काम को कर पा रहे हो दैट इज कॉल्ड एनर्जी एनर्जी का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी लगता है कि एनर्जी कैन आदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक है इसकी भी ऐसा यूनिट लाइक वर्क की तरह ही सेम होती है वो होती है दैट इज जूल वो होती है दैट इज जूल और अगर सीजीएस सिस्टम की बात करता हूँ तो वो फिर से हो जाती है दैट इज अर्ग क्लियर है नाउ नेक्स्ट पावर पावर दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क पावर कहता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट किस दर से काम करते हैं दैट इज कॉल्ड पावर ठीक है तो पावर के लिए जो यूनिट होती है दैट इज वोट का यूज करते हैं हम पावर के लिए वोट का यूज करते हैं पावर के लिए हम हॉर्स पावर का यूज करते हैं ठीक है आपने मोटर वगैरह देखी होगी वन एच की मोटर टू एच पी की मोटर अब अगर दो मोटर आपको लाके के दे देती एक वन एच पी की और सेकेंड है डेट इज़ टू एच पी की तो सबसे फर्स्ट काम कौन सी करेगी टू एच पी की हॉर्स पावर टू एच पी की ठीक है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी मान लो एक टाका है यहां से पानी को एक टंकी के अंदर लिफ्ट करना है तो एक एचपी की मोटर अगर दो घंटे लगा रही है तो दो एचपी की अगर मोटर लगा देगी तो वही एक घंटा कम टाइम लगेगा मतलब उसकी रेट काम करने की दर बढ़ जाएगी रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर कि किस दर से हम काम कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पावर आई थिंक आपको वर्क एनर्जी और पावर के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा अब हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे थैंक यू सो मच चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें